सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात किया था रियल मी के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन के बारे में। दरअसल यहाँ पर कुछ लीक्स यहाँ पर रियल मी के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन के ऊपर निकल करके आई थी। और दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ कि कल यहाँ पर रियलमी X2 प्रो का और यहाँ पर रियलमी 5S का लॉन्च इवेंट था, जहाँ पर रियलमी ने फाइनली यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है अपने अपकमिंग 5G स्मार्टफोन को। और यहाँ पर कुछ जो डिटेल है वो इन सभी स्मार्टफोन की यहाँ पर निकल करके आ चुकी है। फाइनली ये स्मार्टफोन कब हम यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, कितने प्राइस रेंज तक ये स्मार्टफोन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और कितने सारे स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे यहाँ पर इंडिया में 5G स्मार्टफोन, तो आज की वीडियो से बात करने वाला हूँ इसी नए अपडेट के ऊपर कि कल यहाँ पर क्या कुछ डिटेल निकल करके आई है यहाँ पर रियलमी के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन के बारे में और कब तक और कितने प्राइस तक ये जो स्मार्टफोन है फाइनली इंडिया में भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा कि कल यहाँ पर जो रियलमी के CEO हैं, जो माधव सेठ हैं, उन्होंने यहाँ पर कन्फर्म किया है कि हम अपने रियलमी के 5G स्मार्टफोन को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो आपको स्टार्टिंग में 2020 के स्टार्टिंग में ही हमें यहां पर देखने के लिए मिलेंगे और इन सभी स्मार्टफोन में आपको यहां पर 5G कैपेबिलिटी देखने के लिए मिलेंगी। लगभग यहां पर 10 से 15 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे 5G के और यहां पर कुछ जो स्मार्टफोन होंगे वो अंडर 10,000 होंगे, 10,000 के नीचे आपको यहां पर 5G देखने के लिए मिलेंगे और कुछ जो स्मार्टफोन होंगे वो 10,000 के ऊपर यहां पर होंगे। अब आप अपने मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और इस स्मार्टफोन के यूज के हिसाब से आप उन सभी स्मार्टफोन को अपने हिसाब से यहां पर खरीद सकते हैं। अगर बात करता हूं यहां पर इन सभी स्मार्टफोन की और भी डिटेल की, तो यहां पर इन सभी स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। यहां पर लीक्स तो ये आ रही थी कि यहां पर जो रियलमी है और जो रेडमी है और भी काफी सारी जो कंपनी है वो यहां पर मीडियाटेक का जो बजट 5G प्रोसेसर है उसको यूज करने वाली है, लेकिन कल यहां पर रियलमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इसमें आपको क्वालकॉम का जो प्रोसेसर है वो यहां पर देखने के लिए मिलेगा और इन सभी स्मार्टफोन में आपको 5G का जो सपोर्ट है, नेटवर्क सपोर्ट है, वो यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अब अगर बात करता हूं रेडमी की, तो रेडमी ने कुछ समय यहां पर कहा था, कुछ समय पहले यहां पर बताया था कि हम अपने 10 5G स्मार्टफोन यहां पर लेकर के आ रहे हैं 2020 में और यहां पर ये जो सभी स्मार्टफोन होंगे वो यहां पर आपको 20,000 के ऊपर के प्राइस रेंज में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए यहां पर रियलमी ने कल यहां पर कंफर्म किया है कि हम अपने भी 5G स्मार्टफोन लेकर के आ रहे हैं और ये जो स्मार्टफोन होंगे इसमें ज्यादातर स्मार्टफोन आपको अंडर 10,000 10,000 के नीचे देखने के लिए मिलेंगे और इन सभी स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा प्रोसेसर यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जिससे ये जो स्मार्टफोन होंगे एक गेमिंग स्मार्टफोन होंगे, एक कैमरा स्मार्टफोन साथ में होंगे यहां पर। अब दोस्तों, हालांकि इससे ज्यादा कुछ भी और डिटेल यहां पर इन सभी स्मार्टफोन के ऊपर निकल करके नहीं आई है, लेकिन फाइनली देखते हैं यहां पर कब तक ये जो सभी स्मार्टफोन है यहां पर कंफर्म होते हैं और कौन सी सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं, क्या कुछ स्मार्टफोन यहां पर निकल करके आते हैं फाइनली रियलमी के 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, यहां कुछ इस वीडियो में आशा करता हूं छोटी जानकारी को समय आगे होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।